हाय गाइस, आज हम लोग सीखेंगे फुटबॉल का सबसे बेसिक चीज़ जो कि पास कैसे किया जाता है। जो फुटबॉल कभी नहीं खेले, जो सीखना चाहते हैं, बहुत शौकीन है फुटबॉल के, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बॉल पास कैसे किया जाता है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे बॉल कैसे पास किया जाता है। तो देखिए, बॉल का सबसे पहला पास करने का तरीका कि बॉल के सामने पैर, एक पैर रहेगा जो जिस पैर से भी आप खेले, लेफ्ट या राइट, उसके एक सामने रहेगा। और दूसरा स्टेप है कि बॉल को यहाँ से मारेंगे, ना कि टॉस से, यहाँ से मारेंगे इस एंगल से, और बॉल के बीच में लगना चाहिए, इस एरिया में, इस पर नहीं कि नीचे, नीचे रहेगा तो उड़ जाएगा बॉल। इसलिए बॉल कैसे मारेंगे, देखिए हम लोग आपको दिखाते हैं बॉल मारने का सही तरीका। ये पहले यहाँ जाएगा और ये ऐसे जाएगा, बॉल ऐसे ग्राउंड उठ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ये पास करने का कि यहाँ जो बीच वाला पोर्शन है, इसी से मारना है और बॉल के बीच से मारना है, ना कि नीचे, नहीं ऊपर, बीच में मारेंगे तो बॉल सही जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ बीच ही से मारें, ना कि टॉस से, टॉस से मारेंगे तो जिधर तिधर बॉल चल जाएगा। इसलिए देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, पैर जैसे बताया था एकदम सामने, जैसे इधर आई गई, जैसे ये मेरा प्लेयर है, आप वहाँ रहिए, बस बस देखिए ये मेरा प्लेयर, तो ये पैर सामने दम रहेगा प्लेयर के, और मेरा पैर जो है इस मोमेंट दम यहाँ रहेगा और बॉल के यहाँ लगेगा, ना कि नीचे, नहीं ऊपर। देखिए ऐसे आराम से पहुँच लें और ये देंगे एकदम बॉल के जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो हम बता रहे थे हमारा प्लेयर सामने है तो हमारा पैर ये सामने रहेगा, प्लेयर के सामने है, और जो हम पैर से मारेंगे वो पैर दम यहाँ लगेगा। देखिए यहाँ दम लगेगा इसमें और बॉल के दम यहाँ लगेगा बीच में, नीचे लगेगा तो बॉल उड़ जाएगा। और टो से नहीं मारना है, टो से मारेंगे तो इधर उधर बॉल चलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको दम अच्छे से बताएंगे। एक लेफ्ट वाला पैर यहाँ रखेंगे और राइट पैर से ऐसे दम मारेंगे, बॉल सीधा जाएगा। और देखिए रिसीव करने का थोड़ी तरीका आएगा, इसी से रोकेंगे, इसी एंगल से जिसे हम पास किए उसी से रोकेंगे दम। तो फ्रेंड देखिए, जैसा हम बता रहे थे, अगर बॉल के अगर नीचे मारेंगे यहाँ तो बॉल उठ जाएगा। इसलिए बॉल देखिए, अगर बॉल के हम नीचे अगर मारेंगे तो बॉल उठ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। जैसा आप देखिए, दिखाते हैं, देखिए अगर बॉल के नीचे लगेगा तो उठ जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए गलत है ये। और देखिए जैसे सही है, जब हम लोग का सही पास रहेगा, जैसे बताए थे पैर यहाँ मैन के सामने रहेगा और ये जाएगा ग्राउंडेड पास जाएगा, ये हो जाएगा सही। और देखिए जैसा कि हम पास मारेंगे सीधा कहाँ जाएगा, जैसा बताए थे यहाँ मारेंगे, अब देखिए बॉल दम सीधा जाएगा ग्राउंडेड। और तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोग बॉल रिसीव कैसे करेंगे, बॉल को कैसे रिसीव करना, कैसे रोकना है, जिस तरह से हम लोग बॉल पास कर रहे थे उसी पोर्शन से रिसीव करना, इस पोर्शन से रिसीव करना। तो देखिए रिसीव कैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए हमने बॉल कैसे रिसीव किया, जिस पोर्शन से हमने पास किया था उसी पोर्शन से रिसीव किया, ऐसे रिसीव करना। और जो पास आए तो हमें पैर को थोड़ा पीछे खींचना है कि बॉल मोशन एक साथ पैर के मोशन से आए, ज़्यादा दूर ना आए। अगर पैर को पीछे नहीं करेंगे तो बॉल आगे भाग जाएगा। तो देखिए कैसे भागेगा बॉल अगर पीछे नहीं करेंगे, तो देखिए देखिए अगर पैर पीछे नहीं करेंगे तो बॉल आगे चला जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जैसा बताया, जब भी बॉल पास आए तो हल्का पैर को पीछे करें तो बॉल सही से अच्छी जगह रुक जाएगा। तो गाइस देखिए, फुटबॉल का सबसे बेसिक चीज़ था जो आज हमने लोग ने सीखा, और पास कैसे करना, रिसीव कैसे करना, इसी प्रैक्टिस करना है बस, बहुत आसान है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सीख जाइएगा जल्दी। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा पूरा, और इसी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू गाइज़।